डानमा जी एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है बहुत समय पहले जो सारे भगवान थे वो कुछ एक्साइटमेंट करने के लिए वो स्वर्गलोक को छोड़ते हुए इस धरती लोक पे चले आते हैं जहाँ पर उनके भक्त थे और वो अपनी सारी पावर को स्वर्गलोक में सील करके चले आते हैं और वो इस धरती के ऊपर एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहने लगते हैं और वो सभी लोग बस अपने भक्तों को कुछ नहीं देख सकते सिवाय मॉन्स्टर से लड़ने का आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कहीं पर भाग रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसके सामने जो रास्ता होता है वो बंद हो चुका होता है मतलब डेड एंड। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक बड़ा सा बेल जैसा मॉन्स्टर उसके पीछे उसको मारने के लिए आ रहा होता है और तभी उस टाइम पर एक लड़की आके उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है और वो आखिर में उस मॉन्स्टर का एक बाजू ही काट देती है। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है उस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देख के बोलते हैरान होता है और इसका नाम होता है बेल। और तभी एक लड़की कहती है सो क्या तुम ठीक हो और इस लड़की का नाम है आइस वाल्स्टेन। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वहीं पर ही वहाँ से हमारा इस एपिसोड का स्टोरी लाइन शुरू होता है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं एक लड़की का सीन जिसका नाम होता है एना और वो कह रही होती है बेल तुम यहाँ पर और वो बेल को देख कर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि जो बेल होता है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ होता है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं एना कह रही होती है क्या तुम पागल हो तुम बस लेवल 1 के एडवेंचर हो और उसके साथ ही तुम 5वें नंबर फ्लोर पर चले गए थे उन मॉन्स्टरों के साथ लड़ने तुम लकी हो तुम बच चुके हो आगे से ऐसा मत करना। और तभी हमारा बेल कहता है हाँ मुझे माफ कर देना ये सब मेरी गलती है। और तभी हमें दिखाया था एना कहती है तुम अभी लकी हो क्योंकि तुम उस मॉन्स्टर के साथ बच चुके हो। और तभी वो कहने लगती है सो तुम मुझे क्या कह रहे थे कि तुम मुझे फिर से बोल सकते हो। और तभी हमारा बेल कहता है असल में मैं एक लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ क्या तुम उसके बारे में जानती हो। और तभी एना कहती है ओहो तुम्हें प्यार हो गया है मैंने सही कहा ना। और असल में वो लड़की लोकी परिवार से बिलोंग करती है और वो लेवल 5 की है और वो लड़की बहुत ही अच्छी तरह से तलवार चला सकती है इसलिए भगवान ने उसको स्वॉर्ड प्रिंसेस का नाम दिया है। और तभी बेल कहता है तो उसको क्या पसंद है क्या तुम मुझे बोल सकती हो। और तभी एना कहती है सो तुम उसको पटाने की कोशिश करोगे मैंने सही कहा ना। और तभी हमारा बेल कहते हैं हाँ तुमने सही कहा क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कैसे हो सकता है। और तभी एना कहती है तो मुश्किल है क्योंकि उसके पीछे हजारों लड़के पड़े हैं। ये बात को सुनते ही हमारा बेल कहता है क्या तुमने तो सारा मजा क्रिकेट कर दिया। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी एना बेल से कहने लगती तो ठीक है जाओ तुम सारे मैजिक स्टोन के बदले वहाँ से पैसे ले आओ मतलब उस काउंटर से। और हमें दिखाया जाता है हमारा जो बेल होता है वो उस काउंटर के पास जाता है और वो अपने कुछ मैजिक स्टोन को उस काउंटर में बैठी हुई लड़की को दे देता है। और तभी वो लड़की हमारे बेल को 3 सिक्के देती है इसका दाम है 1200 रुपये। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहता है तो ठीक है ना मैं अभी जा रहा हूँ। और तभी एना कहती है सुखियों को बहुत ताकतवर लड़के पसंद है ए तुम ताकतवर बन जाओगे मुझे पता है जो आई से वो तुमसे प्यार करने लगेगी। इस बात को सुनते ही हमारा बेल कहता है हाँ मैं ताकतवर बनने की कोशिश करूँगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था बेल कहता है तुम्हारा शुक्रिया और मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। वो इतना कहते ही वहाँ से बहुत जोरों से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। और हमें दिखाया था उसका जो घर होता है वो असल में एक टूटा फूटा चर्च होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो अपने घर को आता है और कहता है लो मैं आ गया। और तभी एक लड़की हमारे बेल को कस के पकड़ लेती है और कहती है बेल तुम यहाँ पर आ चुके हो असल में ये जो लड़की होती है एक गॉडेस होती है और इसका नाम है हेस्टिया। असल में हमारा मेन कैरेक्टर इसको गॉडेस के पुकारता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं मैं आज मरते मरते बचा हूँ। और तभी हमारी जो गॉडेस होती है वो बेल की सारे शरीर को चेक करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे बेल कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप चिंता मत कीजिए असल में मुझे पता है मैं इस परिवार का इकलौता मेंबर हूँ इसलिए मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं पर ही नहीं जाऊँगा गॉडेस। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम पे हमारी गॉडेस कहती है मुझे अभी तक कोई भी ऐसा मेंबर नहीं मिला जो हमारे परिवार को ज्वाइन कर सके। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का तक कोई बात नहीं अभी तो हमारा परिवार शुरू हुआ है। और तभी हमारी गॉडेस कहती है मुझे लगता है हम दोनों एक साथ बहुत ही टाइम तक रहेंगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपने अभी क्या कहा। और तभी हमारी गॉडेस कहती है तुम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारी गॉडेस कहती है असल में मैंने अपना सारा पावर को सील करके आ चुकी हूँ इसलिए मैं अपना कोई भी पावर तुम्हें नहीं दे सकती मैं कितनी बेकार हूँ ना। और तभी हमारे बेल कहता है ऐसा नहीं है बस हमारा परिवार अभी अभी शुरू हुआ है और हमें बस हौसला रखना चाहिए और मैं ताकतवर बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ
तो आप चिंता मत कीजिए। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहीं पर ही हमारी गॉडेस इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें अगली सीन में दिखाते गॉडेस कहती है चलो अभी तुम्हारा स्टेटस चेक करने का समय आ चुका है। और अगली सीन में दिखाते हमारा बेल कहता है हाँ चलो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और दूसरे सीन में हमारी जो गॉडेस होती है वो बेल के पेट पर बैठते हुए उसका स्टेटस चेक करती है और वह एक चीज को नोटिस करती है वहां पर उसका एक नया स्किल ओपन हो चुका है। इस चीज को देखकर वो थोड़ी सी हैरान भी होती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था हमारी गॉडेस कहती है सो कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा एक नया स्किल ओपन हो चुका है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही बॉस के सारे जो स्टेटस को एक पेपर के ऊपर छपाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था गॉडेस कहती है सो तुम एक लड़की को पसंद करते हो लेकिन उसको छोड़ के तुम्हारे सामने जो लड़की है उसके ऊपर ध्यान दो बॉस ऐसे तुम्हारी हो सकती है। तभी बेल कहता है क्या आप खुद की बात कर रहे हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर वो अपने स्टेटस को चेक करने लगता है उसके स्टेटस में क्या बदला है। और वो नोटिस करता है उसके स्टेटस में एक स्किल इंप्रूव हुआ है लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाता। और तभी हमारे बेल गॉडेस से पूछने लगता है ये क्या है। और गॉडेस कहती है ओ सॉरी मेरा हाथ फिसल गया था इसलिए स्किल गलती से लग गया मुझसे। और हमें अगले सीन में दिखाया था बेल वहां से निराश होते हुए जाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारी जो गॉडेस होती है वो कहने लगती है तुम बहुत कमाल के हो बेल। और बॉस पेपर को देखने लगती है और असल में उस पेपर में जो स्किल था वो असल में धीरे धीरे करके दिखने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारी गॉडेस कहती है असल में बेल को जो स्किल मिला है असल में वो तब काम करता है जब अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास होता है तभी। इसीलिए मैं बेल को इस स्किल के बारे में नहीं बताऊंगी। और वो कहने लगती है मुझे पता करना पड़ेगा ये स्किल बेल को इतनी जल्दी कहाँ से मिल गया। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं सुबह हो चुकी होती है और सुबह हमारे बेल एक सोफे के ऊपर सोया हुआ होता है और उसका नींद खुल चुका होता है। और उस टाइम पे वो अपने सामने गॉडेस को अपने ऊपर सोया हुआ पाता है और वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है क्योंकि जो गॉडेस थी मतलब उसका जो चेस्ट मतलब उसका जो बूब्स था असल में हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर टच हो रहा था। इसको लेके वो वहाँ से उठ जाता है और कहता है सो गॉडेस मैं जा रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो वहाँ से जाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो जाते हुए वो पीछे एक चीज़ को नोटिस करता है शायद से उसको बुला रहा है लेकिन वो देखता है लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता और वो कहता है शायद से कोई नहीं होगा ये मेरा बहन है। और वो अपने सामने देखता है उसके सामने एक लड़की होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को एक मैजिक स्टोन देता है और तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है शायद से ये जो मैजिक स्टोन है वो कल मेरे हाथों से यहाँ पर गिर गया था। और तभी वो उस लड़की को शुक्रिया कहता है। और अगले सीन में दिखाया था वो लड़की कहती है सो कोई बात नहीं तो क्या तुम एक एडवेंचर हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा मैं एक एडवेंचर हूँ। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर मतलब बेल के पेट से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलने लगती है। और तभी इस बात को सुन के वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर बेल को वो लॉन्च बॉक्स दे देती है और कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये तुम रख सकते हो क्योंकि तुम एक एडवेंचर हो। और तभी हम नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है ये तो तुम्हारा लंच बॉक्स है। और तभी वो लड़की कहती है नहीं मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर काम करती हूँ तो मैं यहाँ से कुछ भी खा सकती हूँ और इसके बदले मैं तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ तुम आज रात यहाँ पर जरूर आना क्या तुम आओगे। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ना चाहते हुए भी उस लड़की को हाँ कहना पड़ता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बेल एक गुफा के अंदर होता है और तभी वो सारे मॉन्स्टर से फाइट करता है सारे मॉन्स्टर को हराने के बाद उनके अंदर से मैजिक स्टोन कलेक्ट करने लगता है। और तभी वो कहने लगता है ये कितना मुश्किल भरा काम है लेकिन मुझे करना पड़ेगा। और तभी वो जाते समय अपने पीछे एक चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है उसके पीछे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर एक एक करके सुमन हो रहे थे। और तभी वो कहने लगता है इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ यहाँ पे क्या मैं इनको मार पाऊँगा। और तभी वो कहता है लेकिन मुझे इनको मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है और मुझे आइस को भी प्रपोज करना है। और इतना बात उसके दिमाग में आता ही वो उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और हमारा सीन यहीं पर चेंज होता है और हमें दिखाता है हमारे मेन कैरेक्टर बेल का घर का सीन जहाँ पर उसके अंदर वो बहुत खुश हो रहा था मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और वो कहता है गॉडेस देखो मेरे स्टेटस में एक ही दिन है मुझे 160 एक्सपीरियंस मिला है और उसके साथ ही मुझे 30 HP भी मिला है। इस बात को सुनते ही जो गॉडेस होती है वो खड़ी हो जाती है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई गॉडेस। और तभी हमें दिखाया जो गॉडेस होती है वो कुछ फनी हुए में रोने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था गॉडेस अपना एप्रोन पहनते हुए कहती है सो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तभी बेल कहता है गॉडेस क्या हुआ
क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? और तभी गॉडेस कहती है, तुम यहीं पर ही रहना, मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ कुछ पार्टी करने, और तुम आज घर में अकेले रह के अकेले ही खाना खाना। और हमें अगले सीन में दिखाया था गॉडेस एक जगह पर बैठी हुई होती है और वो थोड़ी सी मायूस लग रही होती है, और वो कहती है, क्या ये सब सच है? जो मेरा जो लड़का है, मतलब जो बेल है, वो के सच में उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन बेल को तो मैं पहले मिली थी, वो मुझे पसंद करना चाहिए। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया था हमारा जो मेन कैरेक्टर बेल होता है वो के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है, और उस टाइम पर वही लड़की वो के सामने आती है और वो कहने लगती है, सो एडवेंचर, क्या तुम अंदर आना नहीं चाहोगे? और हमारा बेल कहता है, हाँ जरूर। और तभी हमारा बेल कहता है, सो मेरा नाम है बेल। और इस चीज़ को देखती है वो लड़की कहती है, मेरा नाम है स्लेव फ्लोरा। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही उस लड़की की बॉस कहती है, तो तुम फ्लोरा के दोस्त हो, मैंने सही कहा ना, और तुम एक एडवेंचर हो और उसके साथ तुम बहुत क्यूट हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो लड़की मैं उसकी बॉस हमें मेन कैरेक्टर को बहुत से नूडल्स खाने दे देती है, और मेन कैरेक्टर उसे नूडल्स का पैसे गिनने लगता है, वो शायद 300 yuan होंगे। और तभी उसकी जो बॉस होती है उसके पास और ज़्यादा खाना रख देती है, और तभी हमारे मन का इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है और अपने मन में कहता है, शायद ये 850 yuan से भी ज़्यादा होंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया थे तभी उसके पास फ्लोरा आती है, और इसको देखते हुए हमारे बेल कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही खाना है। और इसी बात को लेकर के हमारे जो फ्लोरा होती है वो हंसने लगती है। और अगले सीन में उस रेस्टोरेंट के अंदर एक एडवेंचर का ग्रुप एंट्री करता है, और उसके अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर क्रश मतलब एस वहाँ पर होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इस चीज़ को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और उसको देखते हुए हमारा फ्लोरा कहती है, आपका क्या हुआ? लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं देता। और अगले सीन में वो सभी लोग अच्छे से पार्टी करने लगते हैं, और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है तभी फ्लोरा कहती है, लोकी परिवार के सारे जो ग्रुप मेंबर हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है शायद से यही मौका है उसके पास जाने का, लेकिन उस टाइम पे एक लड़के का सीन दिखाया था जो कह रहा होते आज उसने एक नमूने को देखा जो एक बेल से बच के भाग रहा था, और वो ज़्यादा कॉमेडी था। और तभी जो ऐसे ने उसको बचाया है इस बात को सुन के ही तो सारे ग्रुप मेंबर थे वो ज़्यादा हंसने लगते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाया तो वहीं पर वो ऐसे पूछने लगता है, तुमने आखिरकार उसको क्यों बचाया? और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो सब असल में हमारे मेन कैरेक्टर बेल की बातें कर रहे थे। और तभी बेल इस बात को सुन के वहाँ से भागते हुए चला आता है, और वो खुद को बहुत छोटा समझ रहा होता है, और वो कहता है, मैं आखिरकार ऐसा क्यों हूँ? और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो गुफा के अंदर जाके सारे मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, और आखिर में एक मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो मॉन्स्टर्स हमारे मेन कैरेक्टर को अपने मुंह में खाने के लिए ले आता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से हराता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो कहने लगता है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया और उसको ताकतवर बनना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो अपने पीछे एक चीज़ को नोटिस करता है, और वो देखता है उसके पीछे बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर थे जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। इस चीज़ को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बेल कहता है, तो तुम सभी लोग आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही सुबह हो चुकी थी, और वहाँ पर हमारी जो गॉडेस थी मतलब जो हेस्टिया वो असल में हमारे मेन कैरेक्टर बेल की वेट कर रही थी। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल बहुत ही ज़्यादा जख्मी होकर वहाँ पर आ रहा था, और तभी हमारी जो गॉडेस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर बेल के पास चली जाती है, और हमें दिखाया था बेल कहने लगता है, गॉडेस मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती थी। और वो कहता है, मुझे किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और इस चीज़ को देखते हुए हमारी गॉडेस कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम एक दिन जरूर पावरफुल बनोगे। और उसके साथ ही गाइस आज के डांडवाची सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1 का जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड होता है। यदि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगता है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रोज लाते रहते हैं। सो गाइस चलिए आज के वीडियो इतने ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायनारा एवरीवन।